कुंज में समस्त गोपिकाएं बैठी हैं और वहीं श्री राधा रानी बैठी है। सखिया आती है और पूछती है राधा रानी से, उठ भानु लली, क्यों बैठी यों जैसे जल बिन मछली। राधा रानी सखी से कहती है, सुन सुन प्रिय सहचरी, बिन आए बंधु बिन मौत मरी। मौत तो फिर भी एक बार मारती है, लेकिन मैं तो अपने प्रियतम की याद में हर क्षण मरती हूं। मिटी न मन की साध देकर दुख अगाध, शाम गए मधुपुरी। गए पर आने की कह गए, वियोग के अथाह समुद्र को आशा की बांध से बांध गए, आशा दे गए, लेकिन अब आशा का भी टूटा बांध। तो बता सखी क्या करूं, कैसे धैर्य धरूं, दावानल की अग्नि तो बुझाते हैं बादल। थोड़ी देर एकदम आप सब ध्यान से सुनिएगा, मन चित्त श्री ठाकुर जी के चरणों में समस्त दुनिया की व्याधियों से दूर होके अपना मन उस प्रेम में लगाइएगा। राधा रानी कहती है, दावानल की आग तो बुझाते हैं बादल, पर विरहानल भुजे न बिन श्याम जल। ये विरहानल की जो अग्नि है, बिना श्याम के जल के भुजेगी नहीं। झुलसना इस आग में लिखा मेरे भाग में, तो बता सखी इस भाग्य का मैं क्या करूं। यदि निकल जाते प्राण तो पाती परित्राण, दारुण परिदाह से गए प्राणनाथ तो भी न गए प्राण। प्राणनाथ चले गए पर प्राण नहीं गए, मन तो गया साथ। अब अपने प्राण को कह रही राधा रानी, अरे प्राण, मन तो गया साथ, तू क्यों रह गया नाथ। मन तो चला गया मुझे दुख देने को, तू क्यों अनाथ यहां रह गया। यदि जाता उनके साथ तो रहता कितना शीतल, सोच ओ पापी प्राण, पाएगा तू क्या फल। धीरे धीरे उसको समझाते समझाते राधा रानी कहती है, सखी किससे कहूं अपनी बात, अपना दुख अपना रोना। मन में ही रही मन की बात, कोई समझे ना। क्या कहूं सखी उस सुख की, जिसमें सदा पगी रहती, श्याम प्रेम सुख सागर में मीन सी डूबी रहती। पर क्या जानती मैं कि कभी सागर सूखेगा, मुझे क्या पता था कितना रसमय जीवन मेरा तड़प तड़प कर बीतेगा। हाय, सोख लिया सागर अक्रूर ने आकर, ले गया। आज तक इस ब्रज में बहुत क्रूर आए, कोई कृष्ण को अलग नहीं कर पाया, पर ये अक्रूर। सोख लिया सागर अक्रूर ने आकर, मन मंदिर की बेदी पर था जिसे लिया बिठाए, प्राण पुष्पों को चरणों में जिसके था दिया लुटाए। उसी ने जब निष्ठुरता से दासी को दिया दुराए, तो बता सखी जीना कैसे सुहाए। उसी ने ठोकर मार दी, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाकर उसे पाऊं, बोल ना झट उपाय, प्राण अब जाए अब जाए। यही प्रेम है, लगता है प्राण बस जाने ही वाले हैं, निकलने ही वाले हैं। ललिता सखी कहती है, धर धैर्य सखी मत बावरी बन, धर धैर्य सखी मत बावरी बन, कभी तो उसके मन होगा तेरा स्फुरन, तभी होगा उसका यहां आगमन, तभी वो यहां आएगा। बात चल रही थी, बात चलते चलते अचानक बादल मेघ ऊपर आया, और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, मेघवर्ण, मेघवर्ण। मेघ को देखा तो राधा रानी बावरी हो गई, मानो लगा कृष्ण आ गए मेघ को देखते ही।
सखी कहती है, अरे उन्मादनी कहाँ गिरधर कहाँ गमनागन, जिसे देख रही है वो तो है जलधर, मेघ है। लेकिन आज इस विरह को देख करके श्री राधा रानी अपने आप को रोक नहीं पाई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तभी एक सखी राधा रानी से कहती है, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा संदेशा कृष्ण तक पहुँचाती हूँ, मैं तुम्हारी दशा कृष्ण को जाके बताती हूँ कि तुम्हारी क्या दशा है। राधा रानी को प्रार्थना किया, नाम है सखी का चंद्रा सखी। आज ये चंद्रा सखी मथुरापुरी जा रही है। चतुरा चंद्रे तू जाना शीघ्र मधुपुरी, ले आना श्रीहरि, जा उनको लेके आ। चंद्रा कहती है, हाँ हाँ मैं अभी जाती हूँ, ढूंढूंगी उसे घर घर, जहाँ भी मिलेगा श्याम ले आऊंगी उसे ब्रज धाम, बस जान ले अपने मन में कि आ गया वह और पड़ा तेरे चरण में, तू समझ बस अब वो आ ही गया। हाँ हाँ जा, जाती है चंद्रा, तभी लौट के आ जाती है, वापस आ जाती है। राधा रानी ने पूछा क्यों लौट के आई है, तो चंद्रा कहती है एक बात याद आई, याद है ना मुझे भी बात उस दिन की, जब तूने किया था मान तो बंधु ने विनती की थी चरणों में मुकुट रख, दैन्यता बार बार की थी कृष्ण ने, चरणों में मुकुट रख के तुमसे बार बार माफी मांगी थी और लिखा था अपना नाम तेरे चरण तल पर, और लिख दिया था कुमकुम से भोज पत्र पर एक प्रतिज्ञा पत्र। कभी की कथा याद दिलाती है कि राधा रानी मान करने लगी तो ठाकुर जी ने उनको मनाने के लिए प्रतिज्ञा पत्र लिखा।